10 बातों पे आज अनाउंस करते हैं कि ये करेंगे। जितने मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ लंबे लंबे पावर कट पंजाब के अंदर लग रहे हैं, इतने लंबे लंबे पावर कट से तो जिंदगी नहीं चल सकती। तो पावर कट खत्म करेंगे, 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। ऐसा नहीं कि इंस्पेक्टर आज खत्म नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, क्यों नहीं करते? पैसा ऊपर तक पहुंचता है। हमने इसको इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर कर दिया फिर भी परमिशन लेने आओ, तो वो जानबूझ के क्यों है? वो इसलिए कि नीयत खराब है। व्यापारी झंझट नहीं चाहता, शांति से धंधा करना चाहता है। वो पैसे भी किस चीज के देता है? शांति खरीदने के पैसे देता है कि यार मैं आज यहाँ पे आपको एश्योरेंस देके जाता हूँ कि सरकार बनने के 3 से 6 महीने के अंदर जितने भी लोगों के और व्यापारियों के जितने रिफंड हैं उन सब के रिफंड क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर कोई बहुत बड़े बड़े रिफंड है तो उनकी किश्तें बांध दी जाएंगी ताकि उनको किश्तों के अंदर रिफंड। हर इंडस्ट्रियल एरिया की अपनी प्रॉब्लम, कहीं सड़क खराब है, कहीं पे पानी की दिक्कत है, कहीं सीवर खराब है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी सड़कें, आपका पानी, आपकी सीवर, आपकी बिजली, जो जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं 1 से 2 साल के अंदर हम आपके सारी क्लियर कर देंगे। उसके लिए बजटरी प्रोविजन हम लोग कर देंगे। संधू साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जी हमने बादल साहब को भी बोला था, वो भी बोले कि चुनाव के बाद कर देंगे। कैप्टन साहब को भी बोला था, उन्होंने भी कहा कि चुनाव के बाद कर देंगे। मेरी निवेदन है एक बार केजरीवाल को बोल के देखो, एक मौका सानू भी, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बाकी सबको भूल जाओगे, आप जिंदगी भर भूल जाओगे। आप लोगों से एनहेंसमेंट नहीं लिया जाएगा, जितना दे दिया आप लोगों ने दे दिया। सारे डिपार्टमेंट्स के साथ आप लोगों का महीना और हफ्ता चल रहा होगा तो ये सिस्टम बंद किया जाएगा। आपका काम कराने की जिम्मेदारी हमारी है, काम भी होगा और महीना भी बंद किया जाएगा। ये मैं पहले सुनता था, अकाली दल के समय में होता था, फिर कैप्टन साहब बोले मैं खत्म करूंगा, लेकिन सुना अभी भी चल रहा है कई इलाकों के अंदर गुंडा टैक्स। ये धंधा बंद करेंगे, ये सारा गुंडा टैक्स का, लोकल एमएलए की एक्सटॉर्शन का, ये सारा धंधा बंद किया जाएगा। व्यापारी क्यों याद आते हैं चुनाव के पहले? इंडस्ट्री क्यों याद आते हैं? उद्योगपति क्यों याद आता है पार्टियों को? पैसा चाहिए। मेरे को आपसे पैसा नहीं चाहिए। आज मैं आप लोगों को पंजाब की तरक्की में पार्टनर बनाने के लिए इन्वाइट करने के लिए आया हूँ। आप पंजाब की तरक्की में पार्टनर बनिए, निर्णय आप लें, सरकार उन निर्णयों को इम्प्लीमेंट करे, तभी पार्टनरशिप हो सकती है। सब लोग प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग। इस प्यार और मोहब्बत, इस भाईचारे को अपने को बना के रखना है। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, पंजाब के अंदर अमन शांति हो, कानून व्यवस्था बनी रहे, ऐसा माहौल अपने को पंजाब के अंदर बनाना है। इसके लिए जो भी बन पड़ेगा सबको साथ लेके चलेंगे। हमारा सबसे ज्यादा एम्फेसिस छोटे व्यापारी और एमएसएमई के ऊपर है। जितना ज्यादा छोटे व्यापारी और एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाएगा उतना रोजगार पैदा होगा, उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या हम सब लोग पंजाब के युवाओं को नौकरी देने के लिए तैयार हैं? मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और हम मिलके पंजाब की तरक्की करेंगे।